बाकी इसको खाने के बाद ना आपके अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे आपके घर में क्या बन रहा है, आप बोलोगे मुर्गा मछली मटन बिरयानी, छोड़ो मेरे घर में वेज बन रहा है। यही मसाले को मिला के सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता है, मुर्गा मछली मटन बिरयानी तैयार करा जाता है, पुष्पा राज मसाला तैयार करा जाता है। दोस्तों मुर्गा मछली मटन बिरयानी आप सभी खाते होंगे, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से लेके छोटे से छोटे ढाबे तक में खाते होंगे, लेकिन जो बाहर वाला जो टेस्ट होता है वो घर में नहीं आ पाता। आज तुम्हारा भाई गोलू एक ऐसा मसाला बना देगा जो बाहर वाला जो टेस्ट होता ना अब वो घर में आने वाला है। इसकी मेकिंग देखिए, पहले इसके अंदर डालने वाले हम काली मिर्च, ये आ गई आपकी तेजा वाली काली मिर्च आ गई। काली मिर्च के बाद डालने वाले इसके अंदर जीरा, जीरा के बाद डालेंगे शाही लोगों के लिए हम डालेंगे शाही जीरा, जो कि बिरयानी वगैरह में भी डाला जाता है और सादे चावल वगैरह में भी डाला जाता है। शाही जीरा के बाद डालने वाले भैया कबाब चीनी, ये आ गई आपकी कबाब चीनी, जो कि नाम का कबाब चीनी है, बाकी वेज नॉन वेज किसी में भी डालोगे जायका नंबर वन ही आने वाला है आपका, ठीक है। ये आ गई आपकी कबाब चीनी। कबाब चीनी के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर हम सौंठ, जिसको बोलते हैं सूखी हुई अदरक, ये आ गई सौंठ। सौंठ के बाद डालेंगे भैया इसके अंदर हम आपके पीपल, जो कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लिए भी सबसे बेस्ट में होने वाला और मसाले के लिए भी सबसे बेहतरीन टेस्ट देने वाला आइटम होने वाला। इसके साथ में आपका डालेंगे बड़ी इलायची, जिसके अंदर दाने की क्वांटिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और वेज नॉन वेज किसी में भी डालोगे जायका यहाँ से यहाँ आने वाला है, ठीक है। ये बड़ी इलायची आ गई। बड़ी इलायची के बाद डालने वाले इसके अंदर लाल परी लौंग, नॉर्मली आपके काले लौंग भी होता है लेकिन हम लाल परी यूज करने वाले इस मसाले के अंदर। ये देखिए ये लाल परी लौंग आ गई आपकी, बिल्कुल लाल होने वाला है, पूजा पाठ में भी काम आता है ये लौंग। इसके साथ ही साथ आपका डालने वाले शिगार वाली दालचीनी, ये आ गई आपकी दालचीनी। नॉर्मली आपकी दालचीनी एक छाल वाली दालचीनी आती है, लेकिन हम स्पेशल मसाले में स्पेशल वाली दालचीनी का यूज करेंगे, श्रीलंकन दालचीनी होती है, तो श्रीलंका से आती है, श्रीलंकन दालचीनी होती है। बाकी इसके साथ में हम इसके अंदर डालने वाले दखनी मिर्च, जो कि आंखों की रोशनी के लिए भी सबसे बेस्ट में होने वाला है, और मसालों के अंदर में तो जायका जो देगा ना भैया, हाय हाय बहुत बढ़िया जायका। भैया का व्हाइट पेपर बोलते हैं, व्हाइट पेपर। दखनी मिर्च के बाद डालेंगे भैया इसके अंदर हम छोटी इलायची, 8 mm की छोटी इलायची होने वाली है, और खुशबू की बात करा जाए काफी अच्छा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये आ गई भैया छोटी इलायची के बाद डालेंगे भैया इसके अंदर स्टार फूल, जिसको बादियान फूल भी बोला जाता है, चखर फूल भी बोला जाता है, बिरयानी वगैरह में डालना कंपलसरी होता है, और बाकी किसी में भी डाल लो, नॉन वेज वेज में किसी में भी डालोगे जायका अच्छा ही आएगा, ठीक है। ये स्टार फूल आ गया। स्टार फूल के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर हम स्टार फूल के बाद आपका आएगा जायफल, आ गए जायफल, दो पीस काफी होता है क्योंकि काफी ज्यादा गर्म भी होता है। इसके साथ में आपका आएगा जैवित्री, जिसको बोला जाता है मसालों की रानी, यहाँ के जैवित्री, जो कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जो मसाला यूज होता है ना भैया वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे खसखस, जो ग्रेवी काफी देखी होगी आपने, बहुत ज्यादा थिंकिंग ग्रेवी होती है, मोटी मोटी सब खेला इसी का, ठीक है। खसखस ये दर्द वगैरह में भी काम में आता है, बाकी ड्राई फ्रूट में भी काम में आता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद डालने वाले भैया इसमें बहुत स्पेशल, ये आ गई गुलाब की पत्तियाँ, ये गुलाब की पत्तियाँ डाल दिया थोड़ी सी हमने, गुलाब की पत्तियाँ के बाद डालेंगे भैया पहाड़ी फूल, पहाड़ से निकला हुआ फूल पहाड़ी फूल, जो कि खुशबू बहुत अच्छा देने वाला है, ये आ गए पहाड़ी फूल। पहाड़ी फूल के बाद डालेंगे भैया इसके अंदर हम डालेंगे इसके अंदर रतन जोत, जो कि रेस्टोरेंट में देखा होगा ग्रेवी वगैरह जो होती है बिल्कुल लाल होती है, इसी से लाल होती है। बाकी इसको खाने के बाद ना आपके अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे आपके घर में क्या बन रहा है, आप बोलोगे मुर्गा मछली मटन बिरयानी, छोड़ो मेरे घर में वेज बन रहा है, ठीक है। बाकी किसी भाई बंधु का किसी का भी स्पेशल मसाला वगैरह सीक्रेट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं होता, यही मसाले होते इन्हीं को मिला के बोला जाता है हमारा सीक्रेट मसाला, हमारा 100 साल पुराना मसाला, हमारा खानदानी मसाला, ऐसा कुछ नहीं है। यही मसाले को मिला के सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता है, मुर्गा मछली मटन बिरयानी तैयार करा जाता है, पुष्पा राज मसाला तैयार करा जाता है।